जहाँ कुछ ही दिनों पहले टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं अब टमाटर के दामों में भारी गिरावट आ गई है। कुछ दिनों पहले तेवर दिखाने वाली टमाटर अब इंदौर के बाजार में 50 या 60 रुपए किलो बिक रही है। टमाटर के दामों में भारी गिरावट आने से टमाटर की बिक्री में काफ़ी तेज़ी आई है। पहले जहाँ लोग टमाटर के दाम सुनकर ही खरीदने से तौबा कर रहे थे, वही लोग अब इंदौर के मंडी और सब्जी दुकानों में पहुंचकर बड़ी मात्रा में टमाटर की खरीदी कर रहे हैं, जिससे इंदौर के मंडी में टमाटर की बिक्री में काफ़ी तेज़ी आई है। आपको बता दें कि पहले 120 और 150 रुपए किलो तक मिलने वाली टमाटर अब इंदौर में ग्राहकों को 50 और 60 रुपए किलो तक मिल पा रही है। पिछले दिनों टमाटर के बढ़ते दामों से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया था, पर अब दामों के कम होने से लोगों को काफ़ी राहत मिल पाई है। टमाटर के दाम काफी सस्ते हो गए हैं दो तीन दिनों में। पहले टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, आप भी सब्जी व्यापारी हैं, तो क्या कुछ बिक्री में अंतर आया है? पहले माल भी कम आ रहा था, फ्रूट बहुत महंगा था ये टमाटर, तो माल भी बहुत कम बिक रहा था। अभी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने लगा है। मंडी में भी बहुत ज्यादा आ गया माल, इसलिए बहुत सस्ता हो गया है। ठेले पर भी बहुत ज्यादा माल डालने लग गए और बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है अभी भी। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को आपको सस्ता भी मिलने लगा है थोक में भी, इसलिए आप फुटकर में भी सस्ता दे रहे हैं। जी ठीक है। तो अभी क्या 60 रुपए किलो बिक रहा है क्या? अभी 50 रुपए किलो बेच रहे हैं हम। अच्छा, तो ग्राहक आ रहे हैं बड़ी संख्या? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले? पहले बहुत कम आ रहे थे। ठीक है, एक बार नाम बताइए। गौतम किच्ची।